नमस्कार નોનસ્ટોપ નેશનલ બુલેટિન સાથે હું છું દેવાંગ જોયે સમાચાર નોનસ્ટોપ અંદાજમાં ઝારખંડમાં શ્રી સમેત શિખર તીર્થ સ્થળ જ રહેશે કેન્દ્ર સરકારે પોતાના અધિકારોનો ઉપયોગ કરી નોટિફિકેશન જારી કર્યું છે પારસનાથ વિસ્તારમાં માંસ દારૂ અને ડ્રગ્સના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે આ સાથે અહીં લાઉડ મ્યુઝિક અને લાઉડ સ્પીકર પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે पर्यावरण मंत्रालय जैन समुदाय की बात स्वीकारी लीधी है समेत शिखर जी पर्वत ने लई केन्द्र सरकार झारखंड सरकार ने सूचना आपी है कि पारसनाथ विस्तार में मांस दारू ड्रग्स वगैरह वेचाण ने मंजूरी आपसे नहीं लाउड म्यूजिक लाउड स्पीकर और कुदरती शांति ने खलेल पहुंचाड़ती तमाम प्रवृत्ति पर प्रतिबंध रहेशे पारसनाथ केस में केन्द्र एक समिति की रचना करी है एवं कहेवामां आव्युं छे कि राज्य सरकार जैन समुदाय बे सभ्यों ने समिति में सामिल करवा जोईए स्थानिक आदिवासी समुदाय सभ्यों समावेश करो राज्य 2019 नोटिफिकेशन पर कार्यवाही करवी जोईए 2019 नोटिफिकेशन की कलम 3 जोगवाईओ पर स्टे रहेशे पर्यटन इको टूरिज्म प्रवृत्ति पर तात्कालिक प्रतिबंध मुकवामां आवे झारखंड सरकारे तात्कालिक जरूरी पगला लेवा जोईए निर्णय बाद जैन समाजे जणाव्युं के समग्र जैन समाज भारत सरकारनो आभार व्यक्त करे छे जैन समाजना पवित्र यात्राधाम श्री समेत शिखरजीने लगती तमाम गैरमान्यताओनुं सौहार्दपूर्ण रीते निराकरण करवामां आव्युं छे हवे आंदोलन करवानी जरूर नथी अमारी तमाम मांगणीओ स्वीकारवामां आवी छे उत्तर प्रदेश अयोध्या में बनी रहे राम मंदिर उद्घाटन जानुआरी 2024 सुधी में थी जैसे केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह गुरुवार आ माहिती आपी हती देश में लोकसभा की चूंटी 2024 में योजावानी है आ स्थिति में राम मंदिर उद्घाटन की तारीख ने भाजपनी मतनी राजनीति साथ जोड़वामां आवी रही है राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन की जाहरात अंगे अमित शाह कहूं कि कांग्रेसे कोर्ट में राम मंदिर निर्माण में अवरोध उभो कर्यो सुप्रीम कोर्ट निर्णय बाद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी मंदिर निर्माण की शुरुआत करी थी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी 5 ऑगस्ट 2020 रोज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण माटे भूमिपूजन कर्युं मंदिर शिलान्यास कर्यो हतो भूमिपूजन समारोह में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस वड़ा मोहन भागवत पण हाजर रह्या हता मित्रों मैं एक बात बताने आया हूं 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण काम झड़पथी चाली रह्युं छे देशना लोको काम पूर्ण थवानी राह जोई रह्या छे मळती माहिती अनुसार आ मंदिर काम 2024 सुधी में पूर्ण थई जशे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ना महासचिव चंपतराय नु एक मोटू निवेदन सामे आव्युं छे તેમણે કહ્યું છે કે ડિસેમ્બર 2023 માં જ ભગવાનની મૂર્તિનો અભિષેક કરવામાં આવશે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સચિવ ચંપતરાયે જણાવ્યું કે અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે અને આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ભગવાન રામની મૂર્તિના અભિષેક માટે ગર્ભગૃહ તૈયાર થઈ જશે એટલું જ નહીં અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરને લઈને વધુ એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે આ મંદિરમાં ભગવાન રામની એવી મૂર્તિ સ્થાપિત કરવા પર વિચાર થઈ રહ્યો છે જેને ભક્તો 30-35 ફૂટના અંતરથી સરળતાથી દર્શન કરી શકે ટ્રસ્ટના મહાસચિવે જણાવ્યું કે હાલમાં ભગવાન રામ अष्टधातु की लगभग 6 इंचनी मूर्ति जोवा मळे छे आ मूर्ति उपरांत अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की मोटी मूर्ति पण स्थापित करवामां आवशे जे भगवान रामना बाल स्वरूप में हशे आ वर्षे 9 राज्यों में विधानसभा की चूंटणी योजावानी छे आ साथे आगामी वर्षे लोकसभा की चूंटणी पण योजावानी छे कांग्रेस आ वखते कोई भूल करवा मांगती नथी साथे ज 2024 की चूंटणी में कांग्रेस नथी इच्छती के चूंटणी मोदी विरुद्ध विपक्ष बने એટલા માટે પાર્ટી નવી રણનીતિ પર કામ કરવા માંગે છે અને સામાન્ય ચૂંટણી હોય છે જેની તપાસ કરવી જોઈએ સુપ્રીમ કોર્ટે તે જમીન પર વધુ બાંધકામ અને વિકાસ કામ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે આ મામલે આગામી સુનાવણી 7 ફેબ્રુઆરીએ થશે जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज को और यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा देखिए हाई कोर्ट ने अपने फैसले द्वारा आदेशित किया था कि 7 दिन के अंदर जितना भी वहाँ पे ऑक्यूपेशन है रेलवे लैंड के पास उससे लोगों को यूज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स एक्सेट्रा रिमूव कर दिया जाए तो उस फैसले पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है
अलवानी अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट ना जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओकनी बेचे सुनावणी करी हती। कोलिन गोन्साल्वेजे अरजदारों वती दलीलों करी हती। तेमणे हाईकोर्ट ना आदेश विषे जणाव्यु हतुं ने कह्युं के ए पण स्पष्ट नथी के आ जमीन रेलवे नी छे। हाईकोर्ट ना आदेश में एम पण कहेवामां आव्युं छे के आ राज्य सरकार नी जमीन छे। आ निर्णय थी हजारों लोगों ने असर थशे। सुप्रीम कोर्टे रेलवे तरफ थी हाजर रहेल एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पूछ्युं के शुं रेलवे और राज्य सरकार वच्चे जमीन नुं सीमांकन थयुं छे। वकीले कहू कि रेलवे स्पेशल एक्ट हेठ हाईकोर्टे कार्यवाही कर अतिक्रमण हटा आदेश आप एसजी ऐश्वर्या भाटीए कहू कि केटली अपीलों पेन्डिंग है परंतु कोईपण केस में स्टे नहीं। रेलवे की जमीन पर 4,365 गैरकायदेसर बांधकामों से कोर्टे कहू कि तब मात्र 7 दिवस समय आप रहा छो और खाली थवा कही रहा छो आ मानवीय बाबत है। ये सुप्रीम कोर्ट है हल्द्वानी के मर्द औरतें और हर एक को जो है लो लगी हुई थी बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक हक की उम्मीद लगी हुई थी और जैसा कि पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया है। रेलवे ने जो हमें नोटिस दिए थे दरअसल नोटिस के बाद 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और अब जो फैसला है वो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ना कि हमारा फैसला है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला गरीब मजलूमों के हक में किया है ना कि हमारे हक में किया है ना किसी एक आम आदमी के पक्ष में किया है। सुप्रीम कोर्टे उत्तराखंड सरकार ने पण कहू के लोगों 50 वर्ष थी जीवे छे तेमना पुनर्वसन माटे कोई योजना होवी जोईए। सुप्रीम कोर्टे सरकार ने कहू के जो ते तमारी जमीन छे तो पण केटलाक लोकोए कहू छे के ते 1947 पहेलानी छे। तेमणे लीज पर जमीन लीधी अने मकानो बनाव्या कोईए तेने हराजीमां खरीद्या तेमनुं शुं थशे? डेवलपमेंट थवुं जोईए परंतु लोको आटला लांबा समय सुधी रहे तो पुनर्वसन की छूट आपवी जोईए। तमे 7 दिवस में खाली करवानुं केवी रीते कही शको? आ पहला हल्द्वानी जिला मजिस्ट्रेटे कहू कि अमे सुप्रीम कोर्ट निर्णय की राह जोई रहा है। कायदो ने व्यवस्था जाळवानी जवाबदारी वहीवटी तंत्र की है। मैं हमने पहले ही कहा था क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित रूप से हजारों हजार परिवारों की जीत हुई है। न्यायपालिका पर विश्वास किया है और विश्वास हुआ भी है। आज उत्तराखंड जोशीमठ में जमीन धसी जाने कारण मकानों में तिराड़ो पड़वा की घटनाओं नोधाई थी। अं जमीन धसी जाने कारण जेबी कंपनी मकानों में मोटी तिराड़ो पड़ गई है जेना कारण आखी वसात खाली करी है। रस्त तूटी गयो है। अं जमीन में जगह जगह पा निकलवा लग्यू है। अं रहता कहवुं है कि आ कॉलोनी में बनेला मकानों में तिराड़ो पड़ गई थी और बपोरे अँ पा निकलवा लग्यू थी। पानी ने जोता एवं लगे कि क्या भारे वरसाद पड़ो है। आ घटना की समग्र जोशीमठ चिंता में है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाए जणाव्युं के घरों में आती तिराड़ो शहर नबड़ा पायाना कारण है। आ सिवाय तेणे पोताना रिपोर्ट में तमाम कारणों दर्शाव्या था जेमां बांधकाम शहर की क्षमता और नदी कारण थता धोवाणनो समावेश थाय छे। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 जानुआरी थी जल विजन 2047 थीम पर 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों की वार्षिक परिषद आयोजन कर आ प्रसंगे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा कॉन्फरेंस ने संबोधित की। कहू कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रही है और अभूतपूर्व रोकाण कर रही है। जल संरक्षण मेना राज्यों प्रयासों राष्ट्रना सामूहिक लक्ष्यों ने हासिल कर घो आग बढ़े। पीएम मोदी कहू कि मनरेगा हेठ पा पर महत्तम काम थवे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी कहू कि जल संरक्षण जनभागीदारी विचार लोगों मन में जागृत करव पड़े। आ दिशा में अपने जितू प्रयत्नों करी असर सर्जाशे। देश दरेक जिला में 75 अमृत सरोवर बना रहा है। अत्यारुधी में 25,000 अमृत सरोवर बनाया। पीएम मोदी कहू कि वॉटर विजन 2047 आगामी 25 वर्ष की अमृत यात्रा एक महत्वपूर्ण परिणाम है। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी कहू कि जीवो मैपिंग और जीवो सेंसिंग जीव टेक्नोलॉजी जल संरक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका भजी रही है। घना राज्यों आम सारू काम कर घना राज्यों आ दिशा में आग बढ़ी रहा है। जल संरक्षण केन्द्रए अटल भूगर्भ जल संरक्षण योजना शुरू करी है।
वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। कांजावाला अकस्मात में दररोज नवी नवी बातों सामे आवी रही है। आ घटना में आरोपियों की करतूतो धीमे धीमे बधानी सामे आवी रही है। आरोपी नवो सीसीटीवी वीडियो सामे आव्यो छे। आ सीसीटीवी फूटेज में पहली बार पांच आरोपी एक साथ जोवा मळी रह्या छे। आ फूटेज 1 जानुआरी सवार 4:30 वाग्यानो छे। सीसीटीवी फूटेज में तमाम आरोपी पलेनो कार में नीचे उतरता जोवा मळे छे। आरोपी फरार थवानी तैयारी पहलेथी ज करी लीधी हती। त्यां एक रिक्षा उभेली देखाई हती। आरोपी आवतानी साथे ज कारमांथी नीचे उतरे छे अने पछी ऑटो में बेसी फरार थी जाए छे। बीजी तरफ दिल्ली पुलिस ना स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डाए जणाव्युं के आ गुनामां 5 नहीं परंतु 7 लोग सामेल छे। 5 मुख्य आरोपी नी जेम आमां वधु 2 लोग संडोवायेला छे। तेनी पण टूंक समय में धरपकड़ करवामां आवशे। अमारी 18 टीमों काम करी रही छे। तेमणे कह्युं के आरोपीओना निवेदन में विरोधाभास छे। दीपक नहीं पण अमित कार चलावतो हतो। तेमणे कह्युं के अमने नवा सीसीटीवी फूटेज मळ्या छे। 164 प्रत्यक्षदर्शीओना निवेदन लेवामां आव्या छे अने 2 आरोपीओना एक असुतोष और बीजो अंकुश खन्ना छे। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है। जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है। तो इसलिए हमारी बहुत सी टीम्स अभी लगी हुई हैं, इनको भी हम अरेस्ट करेंगे, फिर इनका फर्दर सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगा और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार इस्लामिक स्टेट ना भर्ती करना अहमद अहंगर उर्फे अबू उस्मान अल कश्मीरी ने गैरकायदेसर प्रवृत्ति निवारण कायदा हेठ आतंकवादी तरीके जाहिर कर। आ साथ मंत्रालय की आतंकवादियों की याद में कुल 49 आतंकी शामिल थे। श्रीनगर में जन्मेलो अहंगर हाल में अफगानिस्तान में है। इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर माटे आतंकवादी भर्ती करना वड़ो है। गृह मंत्रालय द्वारा इश्यू कर एक नोटिफिकेशन में जणाववामां आव्युं छे कि अहंगर अलकायदा सहित विश्व घणा आतंकवादी संगठनों साथ संपर्क में है। अहंगर भारत में इस्लामिक स्टेट चेनलों ने फरीथी शुरू कर व्यस्त है। कश्मीर में आतंकवाद ने प्रोत्साहन आपवा काम कर रह्यो छे। तेणे कश्मीर में नेटवर्क में सामिल करने लोकोने सामिल करवानुं शुरू कर्युं छे। पाकिस्तान में मोंघवारी सामान्य लोगों की मुश्किल में वधारो कर्यो छे। छेल्ला केटलाक दिवसों की घऊना लोट और चिकन भाव में बेफाम वधारो थई रह्यो छे। आ साथे सोनाना भाव ऑलटाइम हाई लेवले स्पर्शी गया छे। एक तोला सोना कोरोना महामारी बाद उभी थे मोंघवारी ने कारण विश्व हाल मंदी भरणा में धकेलाई रही है। विश्व की टोचनी ई कॉमर्स कंपनी एमेजोन 18,000 कर्मचारियों की छटनी कर रही है। सौथी चौंकावनारी बात तो यह है कि कंपनी अगौ जाहिर करेल छटनी अगौना करता नवो अंदाज लगभग बमणो है। वर्तमान मंदी दरमियान 18,000 कर्मचारियों की छटनी कंपनी सौथी मोटो काप हशे। जो कि अन्य सिलिकॉन वैली स्पर्धकों की सरखामणी में एमेजोन पास कर्मचारियों की संख्या नोंधपात्र रीते मोटी है। गया वर्षे सप्टेम्बर अंत सुधी में कर्मचारियों की संख्या 15 लाख की वधु थी। आ आशंका सूचवे कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर में मंदी आगामी समय में वधु गाढ़ बनशे। एमेजोन सीईओ एंडी जेसी ए बुधवार स्टाफ ने मोकलेला मेमो में 18,000 कर्मचारियों की छटनी की जाहरात करी थी। छटनी शुरू थे गया वर्षे थी थी जयरे अंदाजे 10,000 लोगों की छटनी आ प्रक्रिया खास कर एमेजोन रिटेल डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटिंग जेवा विभागों में कंपनी कॉर्पोरेट रैंक पर फोकस हशे। एंडी जस्सीए कहू कि एमेजोन भूतकाल में अनेक अनिश्चित काल में पसार थी चूकी है और घना मुश्किल समय बोधपाठ ने वधारे अमे भविष्य में एक मजबूत कोस्ट स्ट्रक्चर साथ लांबा गाळे की तकों लाभ उठाता रहीशू। विश्वभर में कोरोना वधता जता केसों की वच्चे अत्यार सुधी में भारत में एरपोर्ट और बंदरों पर आता आंतरराष्ट्रीय मुसाफरो की तपास में ओमिक्रोन 11 पेटा वेरियंट की पुष्टि थी है। आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जणाव्या प्रमाण 24 डिसेम्बर थी 3 जानुआरी सुधी 19,227 आंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की तपास करवामां आवी हती। विदेश से आता 124 लोग अत्यार सुधी कोरोना पॉजिटिव मळी आव्या छे। आ दर्दियों में 11 प्रकार कोरोना वेरियंट जोवा मळ्या हता। XBB
1, 2, 3, 4, 5 वेरियंट थी सौथी वधु 14 लोग संक्रमित जोवा मळ्या हता। विदेश थी आवता मुसाफरों में आ प्रकारों की हाजरी जोवा मळी छे। अत्यार सुधी कोईपण प्रकार की कोई नोंधपात्र असर जोवा मळी नथी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जणाव्या अनुसार जान्युआरी महीनो कोरोना ने लईने खूब महत्वपूर्ण है। रसी अत्यार सुधी विविध प्रकार पर असरकारक रही है। हाल में कोरोना खतरो टळ्यो नथी, परंतु हाल में कोई प्रकार ने लईने कोई चिंता नहीं। बीजी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटले के WHO XBB.1.5 वेरियंट ने लईने चेतवनी इश्यू करी छे। WHO डॉक्टर मारिया वान केरखोना जणाव्या अनुसार आ प्रकार 29 देशों में जोवा मळ्या छे। तेमणे कह्युं के आ वेरियंट झड़पथी फैलाई रह्यो छे अने जूना वेरियंट ने रिप्लेस करी रह्यो छे। आ कारणे विश्व में कोरोना की नवी लहर आवानुं जोखम वधी गयुं छे। देशनी राजधानी दिल्ली सहित समग्र उत्तर भारत में ठंडी में ठूठवाई रही है। राजधानी दिल्ली में फरी एक वक्त नैनीताल और देहरादून करता नीचू तापमान नोधायु। दिल्ली ने लोधी रोड खाते सौथी ओछू 2.8 डिग्री तापमान नोधायु, जयरे के सफदरगंज कचेरी खाते लघुत्तम तापमान 4.4 सुधी नोधायु। भारतीय हवामान विभाग द्वारा चेतवनी आपवामां आवी छे कि आगामी केटलाक दिवसों सुधी उत्तर पश्चिम भारत में गाढ़थी अति गाढ़ धुम्मस छवायेलू रहेशे, ज्यारे दिल्ली में पारो 4 डिग्री सुधी नीचो पहोंची जशे अने उत्तर प्रदेश 36 जिल्लाओ ठंडाकार बनी रहेशे। पुना स्थित IMD की मुख्य कचेरी और दिल्ली तथा लखनऊ की पेटा ऑफिसों द्वारा जणाववामां आव्युं छे के गाढ़थी अति गाढ़ धुम्मस तेमज आंशिक रीते वादळ छायुं आकाश रहेवाथी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार में भारे ठंडी रहेशे। अत्यारे पण दिल्लीना केटलाक भागो तथा राजस्थान मध्यप्रदेश जुदा जुदा जिल्लाओं में कड़कड़ती ठंडी पड़ी रही है। कड़कड़ती ठंडी ने कारण समग्र मध्यप्रदेशवासी ठूठवाया है। राज्य नौगांव शहर 2.8 डिग्री सेल्सियस लघुत्तम तापमान साथ सौथी ठंडू रह्यु हतु। आ उपरांत दतिया खजुराहो ग्वालियर में रात्रि तापमान 4 डिग्री और नीचे नोधायु हतु। राज्य 7 शहरों ने बात करता बाकी तमाम शहरों में तापमान 10 डिग्री थी नीचे रहा है। बुरहानपुर कलेक्टरे ठंडी ने जोता तमाम सरकारी और खानगी शालाओं ने सवेरे 9 वाग्या शुरू करने आदेश आप्यो छे। राज्य मोटा भागना विस्तारों में भेजवाड़ा और बर्फीला ठंडा पवन फूंकाई रहा है। उत्तरीय विस्तारों में पवन साथ धुम्मस आ रही है, जेनी सूका और ठंडा पवनों फूंकाई रहा है। हवामान विभाग जणाव्या प्रमाण आगामी 2 दिवस सुधी छिंदवाड़ा बालाघाट सीवनी मंडला और बेतूल में वरसाद पड़ सके। भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर और उज्जैन में वादळों छवायेला रही सके। अहीं हलवा झरमर वरसाद की अपेक्षा है। मध्यप्रदेश की बात करें तो अभी पूरे प्रदेश में ठंड का ठंडी है और टेम्परेचर में काफ़ी मतलब गिरावट देखने को मिल रही है तथा जो नॉर्थन पार्ट से प्रदेश के ग्वालियर चंबल विभाग डिवीजन उनमें कोहरा घना कोहरा है तथा रेस्ट ऑफ द जो MP है उसमें भी मतलब मॉडरेट टू डेंस कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिवस सुधी हवामान खराब रहेवानी शक्यता है। आ दरमियान राज्य उपरना विस्तारों में हिमवर्षा और निचला विस्तारों में वरसाद की संभावना है। राज्य में लघुत्तम तापमान की बात करिए तो केलोंग में -9.9 डिग्री, कुको मसूरी में -9.8 डिग्री, कांगड़ा में -3.2, कल्प में -2.4, शिवबाग में -2 डिग्री, मनाली में -1.9 डिग्री, भूंतर में -1.3 डिग्री, सुंदरनगर में -1.1, सोलन नारगंडा और हमीरपुर में -0.3 डिग्री तापमान नोधायु हतु, जयरे शिमला में 3.7 डिग्री सुधी पारो गगड़ियों। हवामान केन्द्र शिमला जणाव्या प्रमाणे 6 जानुआरी सुधी राज्य तमाम भागों में हवामान स्वच्छ रहेवानी संभावना है। 7 जानुआरी थी उच्च और मध्यम पहाड़ियों में वरसाद और हिमवर्षा थवानी संभावना है। मैदानी विस्तारों में वरसाद पड़ी शके छे, तेज समय राज्य में ठंडीनुं मोजुं यथावत है। राज्य 12 विस्तारों में लघुत्तम तापमान माइनस में नोधायु हतु। हिमाचल अर्धा भाग में धुम्मस की चादर पथरायेली जोवा मळी। मैदानी जिल्लाओं में धुम्मस ने कारण विजिबिलिटी घटी थी, वाहनों की अवर जवर ने असर थी है। राज्य मैदानी और मध्य ऊंचाईवाला भागों में कोल्डवेव और धुम्मस येलो एलर्ट इश्यू कर लघुत्तम तापमान में घटाड़ो थता अनेक विस्तारों में पीवाना पानी की पाइपों जामी गई है। तेज समय घना विस्तारों में धोध और तलाव थीजी गया है। रस्ता पर पानी जामी जवाने कारण वाहनों स्लीप थवानो पण भय रहे छे। तो है ही वो हल्का फुल्का बर्फबारी यहाँ पे हुआ था 31 और 1 तारीख के करीब करीब, उसके बाद से ठंड बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है और आग से के गुजारा सब लोग कर रहे हैं। दिक्कतें काम करने में बहुत ज़्यादा आ रही है, स्पेशली दिक्कत काम की भी उतनी नहीं आ रही जितना कि टूरिस्ट का आ रहा है। सारा टूरिस्ट मनाली या फिर जहाँ पे पासिस है उस तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो काम भी नहीं है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंड हो जाती है सुबह और शाम को, तो जैसे पानी रहता है रोड पे तो वो जमना शुरू हो जाता है, गाड़ी की फिसलन बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 बजे के बाद
मतलब माइनस ही ज्यादा है। किस तरह की ये दिक्कत है? दिक्कत यही बस ठंड ज्यादा है, देखो आग जला के सेक रहे हैं, बस ठंड को थोड़ा दूर भगा रहे। ब्रिटन की रॉयल फेमिली में पण बधु समूह सूत्रों नहीं होवानुं जणाई रह्युं छे। प्रिंस हेरीए तेमनी आत्मकथा स्पेरमां तेमना अंगत जीवन की चौंकावनारी घटनाओनी विगतो आपी छे, जे 10 जानुआरी रोज प्रकाशित थवानी छे। तेणे पोताना मोटा भाई प्रिंस विलियम पर घणा गंभीर आरोप लगाव्या छे। आरोप में एक एवो छे के जेणे राजवी परिवार में खळभळाट मचाव्यो छे। प्रिंस हेरीए तेना मोटा भाई प्रिंस विलियम पर मारपीटनो आरोप लगाव्यो छे। आ आरोप परथी खबर पड़े छे के शाही परिवार में बधुं बराबर नथी चाली रह्युं। प्रिंस हेरीए गंभीर आरोप लगावता कह्युं के मारा मोटा भाई प्रिंस विलियमे दलील दरमियान मारो कॉलर पकड़ी मने जमीन पर पछाड़ी दीधो हतो, जेना कारणे हुं कूतराना बाउल में पड़ी गयो हतो, जेना कारणे मारा कपड़ा फाटी गया ने मारी पीठ पर घणा घा हता। हुं एक क्षण माटे त्यां सूई गयो, स्तब्ध थई गयो, पछी मारा पग पर ऊभो थयो अने तेने बहार निकळवा कह्युं, जो के ते अड़ग रह्यो। આવા ઘટસ્ફોટથી રાજવી પરિવારમાં હલચલ મચી ગઈ છે એવું લાગી રહ્યું છે કે બ્રિટનની મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીયના અવસાન બાદ રાજવી પરિવારનો આંતરિક વિવાદ વધુ ઘેરો બની રહ્યો છે। પ્રિન્સ હેરીનું કહેવું છે કે તે વિલિયમે મારી પત્નીને મેગનને ખતરનાક અને અસંસ્કારી ગણાવી હતી। હેરીએ પણ જણાવ્યું કે તેણે આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ તેની પત્ની મેગન માર્કલેને કર્યો ન હતો, પરંતુ બાદમાં તેણે મારી પીઠ પર ઈજા જોઈ જેનાથી તે દુઃખી થઈ ગઈ। આત્મકથા આવતા અઠવાડિયે વિશ્વભરમાં પ્રકાશિત થશે।